ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते ट्रक ड्राइवर हो रहे हैं परेशान। चार दिन से परेशान हो रहे ट्रक चालकों ने आज बाईपास पर किया विरोध प्रदर्शन, लगाया पक्षपात का आरोप। 20 तारीख से चली आ रही ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जगह जगह हो रहे हैं चक्का जाम। आज फिर गुना में ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम के लिए गुना कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कल लाल परेड मंच पर अपने साथ हुई घटना को बताया उत्तंडतापूर्ण और गुंडागिर्दी। क्षेत्रीय सांसद का शिला पट्टिका में नाम ना होने को लेकर भी जताई आपत्ति। कहा, कल की सारी घटना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रभारी मंत्री जयवान सिंह पवैया के इशारे पर हुई। बीनागंज से वैष्णो देवी के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले मोटरसाइकिल यात्रियों का आज गुना पहुंचने पर लोधा समाज के युवा साथियों ने किया स्वागत। पालिका बाजार से अपहृत हुई नाबालिग के अपहरणकर्ता के पकड़े जाने के समाचार। केंद्र कन्या माध्यमिक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में आ रहा है कमरों में पानी। नए बनाए गए कमरों में भी पानी के आने से छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य हो रहा है प्रभावित, विद्यालय के प्राचार्य ने दी जानकारी। जाटपुरा स्कूल के लिए किताबें भरकर लाया ट्रक फंसा कीचड़ में, छात्र छात्राएं हुए परेशान। इससे पहले भी कीचड़ में फंस चुका है ट्रक। ग्राम गेहूं खेड़ी के एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या। लॉटरी भवन में आज आयोजित हुआ निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर, 55 मरीजों का हुआ परीक्षण, 17 को भेजा गया ऑपरेशन के लिए आनंदपुर ट्रस्ट। राघोगढ़ के लोकसभा केंद्र पर आधार कार्ड संशोधन और अपडेशन के चलते बारिश में छात्र छात्राएं हो रहे परेशान। 3-3 दिन में आ रहा है छात्र छात्राओं के अपडेशन का नंबर। राघोगढ़ के वार्ड क्रमांक 12 में सुरेश सोनी को रास्ता दिलाने की मांग को लेकर आज माली और सरी समाज के लोगों ने राघोगढ़ SDM को सौंपा ज्ञापन। फुले विक्रेत ने भी इस संदर्भ में सौंपा ज्ञापन। SDM ने तहसीलदार और पटवारी को भेजा मुआयने के लिए। कुम्हारी और पाड़ोन के पास नदी उफान पर, बरसों बाद आया जंगलों में पानी। प्रांतीय आह्वान पर गुना के समस्त पटवारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आज जिलाधीश महोदय के कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अहिंसा ग्रुप 1 से लेकर 10 सितंबर तक कराएगा शिक्षक महामंडल विधान। समाज के वरिष्ठ जनों ने आज विधान पत्रिका का किया विमोचन। लाल परेड पर कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए बनाई गई पार्किंग के कारण संजय स्टेडियम हुआ बदहाल। खिलाड़ी आज पहुंचे जन सुनवाई में, खिलाड़ियों ने लगाया आरोप कि अगले कई माह तक अब वे खेलने से रहेंगे वंचित। स्टेडियम के पास कक्षों में भी भरा पानी और खेल की किटों को पहुंचा नुकसान। दबंगों द्वारा खेत उजाड़ने से परेशान और बेघर हुए किसान ने आज हनुमान चौराहे पर शुरू किया अपना अनिश्चितकालीन अनशन। शहर के पास लक्ष्मीगंज की चौपाटी पर और सब्जी मंडी पर भरा पानी, बनी तलैया, पानी की निकासी न होने से बनी यह स्थिति। जगजीवन राम छात्रावास में प्रवेश की मांग को लेकर छात्र पहुंचे आज जनसुनवाई में। इस वर्ष 60% अंक न लाने वाले छात्रों को नहीं दिया जा रहा है प्रवेश, जबकि पिछले वर्ष इन्हीं छात्रों को 50% पर दे दिया गया था प्रवेश। ग्राम बिलोनिया में एक माह से DP रखी, लेकिन विद्युत कर्मियों द्वारा अब तक केबलिंग ना होने से नहीं मिल पा रही क्षेत्रवासियों को बिजली। कई लोगों पर बिजली चोरी करने का लगाया आरोप। बमोरी के ग्राम धानन खेड़ी में मंदिर के पुजारी ने मीणा समाज के लोगों पर लगाया मारपीट का आरोप। मंदिर की जमीन हत्याने की फिराक में है लोग, कहा जनसुनवाई में। जनसुनवाई का स्थान बदलने से आवेदक हुए परेशान। EVM मशीनों के संधारण कार्य के चलते आज पहली मंजिल पर हुई जनसुनवाई, नहीं दी गई स्थल परिवर्तन की कोई जानकारी।
वार्ड क्रमांक 36 सहित कई वार्डो की महिलाओं ने नगरपालिका कर्मियों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन की राशि को लेकर रुपए मांगने का लगाया आरोप। उपाध्यक्ष राजू यादव वार्ड की महिलाओं के साथ पहुंचे जनसुनवाई में। अमोरी के गांव चिलका में पूरा गांव जाता है खुले में शौच। 35 शौचालय, 37 प्रधानमंत्री आवास, उसके बावजूद भी हालात खराब। गंदगी से परेशान है पूरा गांव और भ्रष्टाचार और गंदगी के चलते स्वच्छता मुहिम पूरी तरह से नाकाम और चौपट। अपने ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के स्वागत के लिए नहीं रुके केंद्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ताकते रहे एक दूसरे को और आखिरकार फूल मालाएं वापस लेकर उन्हें जाना पड़ा। शहर के बीच स्थित एक भोजनालय पर काम कर रहे कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना कल शाम की।